नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। तो जब आप अपॉइंटमेंट आता है किसी कंपनी से, है ना, किसी कंपनी में आप जॉब करने के लिए जाते हैं प्राइवेट के लिए, तो उसमें एक चीज़ जरूर रहता है कि नोटिस पीरियड, ठीक है। नोटिस पीरियड आपको सर्व करना है, एक महीना होगा, दो महीना होगा, तीन महीना होगा, ठीक है। उसमें लिखा रहता है कि अगर आपको कंपनी से रिजाइन करना है तो नोटिस पीरियड आपको सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर नोटिस पीरियड आप सर्व नहीं करते हैं तो नोटिस पीरियड के ड्यूरेशन का जो सैलरी है वो आपको कंपनी में देना पड़ेगा, ठीक है। अगर कंपनी जो है सो आपको नोटिस देती है तो भी उतना दिन का नोटिस पीरियड का पैसा आपको दे के निकालेगा या नोटिस दे देगा कि तीन महीना के बाद अपना या दो महीना के बाद आप अपना जॉब देख लीजिए। ये चीज़ है। कंपनी फिर क्या करती है कभी कभी कि पीछे के डेट से रिजाइन देकर एक महीना का नोटिस पीरियड है तो बोल देगा कि एक महीना पहले का डेट से रिजाइन कर लीजिए, ठीक है। या क्लोज में ऐसा भी चीज़ डाल देती है कि कोई सीरियस एलिगेशन होगा तो आपको एट द टाइम देना पड़ेगा, मैं जिस समय कंपनी बोले उस समय आपको कंपनी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह का बात जब लिखा रहता है और आपको किसी कारण से कंपनी छोड़ना है, दूसरा जॉब मिल गया या जा रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखिए कि ये सभी चीज़ अगर लिखा हुआ है तो ये करीब करीब वन साइडेड चीज़ रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब टर्म एंड कंडीशन जो एम्प्लॉयर कंपनी है उसके फेवर में ये चीज़ दिखला रहा है, ये सब चीज़ कोर्ट में स्टैंड नहीं करेगा, ठीक है। हाँ, कंपनी ये कर सकती है कि अगर विदाउट नोटिस पीरियड आप गए हैं तो कंपनी ये कर सकती है कि आपका जो पीएफ में एग्जिट डेट है उसमें दिक्कत करे या एक्सपीरियंस लेटर आपको नहीं मिलेगा, ये कर सकती है। ये कंपनी के ऊपर है, कंपनी इसमें आपको परेशान कर सकती है, लेकिन आपको आपके ऊपर लीगल इशू नहीं होगा। अगर कंपनी तीन साल का तीन महीना का नोटिस पीरियड है और आधे चला गया तो कंपनी आपको मजबूर नहीं कर सकती है कि तीन महीना का पैसा आपको देना ही है, मतलब कोर्ट में वो नहीं जा सकती है, लीगल एक्शन नहीं ले सकती है, ये कहीं कुछ लेबर लॉ में लिखा हुआ नहीं है। इसीलिए इस चीज़ में आपको निश्चित रहना है। लेकिन अगर कोई बढ़िया कंपनी है, बड़ा कॉरपोरेट कंपनी है, तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखती है, तीन महीना पहले नोटिस देगी, या कोई कंपनी चाहती है कि आज अभी ही चले जाए, आपका नोटिस पीरियड एक महीना या दो महीना है, तो एक महीना दो महीना का पैसा देकर आपको बोलेगी कि भाई हिसाब किताब हो गया, और वो कंपनी खुद जो है सो एग्जिट लेटर होता है या क्लियरेंस लेटर वो बना के देती है कि भाई अभी हमारे आपके बीच में किसी भी तरह का कोई पैसा का डिस्प्यूट नहीं है और साइन हो जाता है, क्लियरेंस लेटर हो गया। ये बड़ी कंपनियाँ करती है, छोटी छोटी कंपनी में बहुत सारा फाउंडेशन लगाया जाता है कि एम्प्लॉय जो है तो छोड़ कर नहीं जाए, और जब कंपनी का काम निकल जाए तो कंपनी जब चाहे तो आपको निकाल देगी। इसीलिए आप निश्चिंत रहिए, किसी भी तरह का कुछ नहीं हो। हाँ, कंपनी अगर आपसे एक सिक्योरिटी के लिए अगर कोई चेक मांगती है तो चेक को कैंसिल करके दीजिए, ठीक है, कैंसिल करके साइन करके दीजिए। फिर कंपनी बोलती है कि नहीं, आपको कैंसिल चेक नहीं देना है, आपको साइन करके ही खाली देना है, तो साइन करके दीजिए, चेक नंबर नोट कर दीजिए और कंपनी को ही अपने प्राइवेट मेल से उस कंपनी को मेल कर दीजिए कि एज पर योर रिक्वायरमेंट आई एम सबमिटिंग द साइन चेक एज यू रिक्वायर्ड इट फॉर सिक्योरिटी, ठीक है। वो एक लीगल इशू हो सकता है। अगर कंपनी उस चेक में डेट और अमाउंट डालकर कोर्ट में डाल दे और उसमें अगर पैसा नहीं है, बाउंस हो गया, तो वो एक लीगल केस बन सकता है, ठीक है। इसीलिए आप मेल में पहले ही डाल के रख दीजिए कि आपको ये चेक दिया गया है और ये चेक आपने इसलिए मांगा था और इस चेक का और कोई पर्पस नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत डर निकला होगा। ऐसे ही टॉपिक के लिए और भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आप डरिए नहीं, हमसे कंसल्ट कीजिए सुजीत कैरियर काउंसिलिंग पर।